बहुत समय पहले एक भाई बहन की जोड़ी थी, हैंसल और ग्रेटल। जब वो बहुत छोटे थे, उनकी माँ गुजर गई थी। वो अपने पिता के साथ जंगल में एक झोपड़े में रहते थे। उनके पिता पैसे कमाने के लिए लकड़ी काटते थे। काम और बच्चों की देखभाल के बीच में पिस के उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया। उनकी नई पत्नी बहुत अमीर परिवार से थी। उनको पसंद नहीं था कि वे गरीब थे और एक झोपड़े में रहते थे, और उसे अपने सौतेले बच्चों से बहुत नफरत थी। सर्दियों की एक रात सोने से पहले हैंसल और ग्रेटल को कुछ सुनाई दिया। उनकी नई माँ उनके पिता से कुछ बोल रही थी। सर्दियों में गुजारा कैसे करेंगे? खाने का सामान कम पड़ेगा। इन बच्चों को भगाओ, वरना हम सब मरेंगे। उनके पिता ने आवाज उठाई। तुम चुप रहो, मैंने सोच लिया है, कल इनको कहीं दूर जाके छोड़ देंगे। ये सुनके ग्रेटल रोने लगी। हैंसल ने उसे चुप कराया। तुम चिंता मत करो ग्रेटल, हम रास्ता ढूंढ लेंगे घर का। उस रात हैंसल बाहर जाकर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर जेब में भरकर ले आया। अगली सुबह वो सब घर से दूर जाने लगे। उनके पिता ने बताया कि वो पिकनिक पे जा रहे हैं। चलते चलते चुपके से हैंसल पत्थर गिरा गिरा के निशानी बना रहा था। शाम होते होते बॉनफायर जला के पिता और माँ निकल गए, ये कह के कि थोड़ी देर में आ रहे हैं, पर वो कभी नहीं लौटे। रात ढलते ही जंगली जानवरों की आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। ये सब सुन सुन के हैंसल और ग्रेटल वही आग के पास ही बैठे रहे, जब तक कि चांद नहीं आया। अब वो उनके डले हुए पत्थरों को देख देख कर घर की ओर जाने लगे। अच्छा किया हैंसल, कितने समझदार हो तुम। जब दोनों घर पहुंचे, पिताजी चौंक गए पर खुश भी थे, और माँ दिखा रही थी जैसे वो खुश थी, पर सब नाटक था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। 3 दिन बाद उनकी माँ ने वापस उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने रात को दोनों के दरवाजे बंद कर दिए, ताकि हैंसल फिर से पत्थर चुनने ना जा पाए। पर हैंसल था समझदार। अब की बार जाते हुए उसने ब्रेड के टुकड़े अपने पॉकेट में रख लिए और उनकी निशानी बनाता गया। दोपहर को बहाने से माँ और पिता निकल लिए, फिर से इन दोनों को छोड़ के। उनके आने की उम्मीद जब खत्म हुई, हैंसल और ग्रेटल सूरज ढलने से पहले रवाना हो गए। पर अब की बार उन्हें ब्रेड के निशान नहीं मिले, क्योंकि सारा ब्रेड तो चिड़िया चुग गई थी। ग्रेटल रो रही थी और हैंसल भी लाचार था। अब के ये दोनों खो गए, ना खाना ना पीना, और जान को मुसीबत अलग से। वो 3 दिन यूं ही घूमते रहे। 3रे दिन उनको एक बेहद सफेद चिड़िया दिखी। उसने इनको गाके सुनाया। वो उस पल अपनी भूख भूल के उस चिड़िया के पीछे गए, और पीछा करते हुए पहुंचे एक अजीब से घर के बाहर। इस घर की दीवार
ब्रेड की थी, छत केक की और खिड़कियां बनी थी कैंडी से, और सब तरफ क्रीम ही क्रीम। हैंसल और ग्रेटिल खुशी के मारे रुक ना पाए, सारी थकान भूल के उस घर की ओर भागे। जैसे ही वो उससे कुछ खाने को गए, अंदर से एक आवाज आई, अरे कौन काट रहा है मेरे घर को? उनको दरवाजे पर एक बहुत प्यारी सी दादी माँ दिखी। उन्होंने उनको सारी घटनाएं बताई, तो उन्होंने उन दोनों को अंदर बुला लिया। घर के बाहर और अंदर बिल्कुल अलग था। अंदर अंधेरा था और अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, पर भूख से परेशान उन दोनों ने ज्यादा सोचा नहीं। उस औरत ने उन्हें तरह तरह की चीजें खिलाई, ऐसी भी जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। और रात को जिस पे सोए वो बिस्तर इतना मुलायम। सुबह उठे तो देखा कि वो औरत नहीं थी कहीं। उन्हें ढूंढने लगे दोनों। वहीं उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखा। अंदर गए तो बक्से भर के खजाना पड़ा था। दोनों चौंक गए। हैंसल और पास से देखना चाहता था, तभी उनकी आवाज फिर आई, क्यों जी, क्या कर रहे हो? दोनों घूमे और वो चुड़ैल ठीक सामने खड़ी थी। मालूम हुआ कि वो औरत एक चुड़ैल थी जो इन बच्चों को अपने तहखाने ले जाने के लिए ललचा रही थी। उन्होंने भागना चाहा पर दरवाजा बंद हो गया। चुड़ैल ने हैंसल को बालों से पकड़ा और एक पिंजरे में डाल दिया। ग्रेटिल को वो किचन ले आई घसीट के। तेरा भाई बहुत दुबला है, उसे मोटा करने के लिए खाना बना। मोटा ताजा होगा तो मुझे उसे खाके मजा आएगा, पर तू कुछ मत खाना, सिर्फ वही खाएगा। ग्रेटिल को उसकी बात माननी ही पड़ी। हैंसल था तो समझदार, उसने तरकीब सोची चुड़ैल को उल्लू बनाने के लिए। हर रात जब चुड़ैल सोती थी, वो पिंजरे के नीचे जमीन में गड्ढा खोदता था। चुड़ैल हर सुबह देखती थी कि हैंसल मोटा हुआ या नहीं। हैंसल कुछ भी नहीं खा रहा था, बल्कि सारा खाना उस गड्ढे में डाल रहा था। दूसरी तरफ चुड़ैल ग्रेटिल से और खाना बनाने को कह रही थी। कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। मोटा हो दुबला हो, अब आज तो मैं हैंसल पाए बनाऊंगी, उसने ग्रेटिल से कहा। अवन में देख जरा, आटा पकाया नहीं। वो डरी हुई तो थी, पर ग्रेटिल अपने भाई जैसी समझदार भी थी। वो समझ गई कि चुड़ैल उसे अवन में धक्का देने वाली है। मेरा सर अंदर नहीं जा रहा है, आटा नहीं दिख रहा है, ग्रेटिल बोली। चुड़ैल ने खुद अपना सर अंदर डाला। मौके पे ग्रेटिल ने सारी ताकत लगा के चुड़ैल को अंदर डाल दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया। पता था कि चाबी कहां रखी है। वो फटाफट गई और हैंसल को निकाला। अवन से आग निकल के पूरे घर में फैल चुकी थी। वो दोनों वहां से निकल के जंगल की ओर भागे, पर कहां जाए ये उन्हें भी नहीं मालूम था। कुछ देर बाद उन्हें एक नदी मिली। एक बड़े से बतख ने उन्हें वो नदी पार कराई। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें मालूम चला कि वो कहाँ हैं। वो दौड़े दौड़े घर पहुंचे। बच्चों को देख पिता बहुत खुश हुए।
रोते रोते उन्होंने बताया कि उन दोनों को जंगल में छोड़ के आने के कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ अपने मायके चली गई और उन दोनों को कितना ढूंढने की कोशिश की पर वो मिले ही नहीं। दोनों बच्चे अपने पिता से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सब भुला दिया, पर वो पिता के लिए एक सरप्राइज लाए थे। उन्होंने अपनी जेब से ढेर सारे हीरे मोती निकाले जो उन्हें चुड़ैल के घर में मिले थे। पिता ये देख के चौंक गए। उनके परिवार को फिर कभी तकलीफ नहीं हुई और वो खुशी खुशी रहने लगे।